तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज से सावन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में पंडित जी से यही जानते हैं कि शास्त्रों में शिवलिंग के बारे में क्या कुछ कहा गया है, किस देवता ने किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा की है, और अगर कोई शिव भक्त इस सावन में अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहता है तो उसे किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, सीधे जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, सबसे पहले हमें शिवलिंग की महिमा बताइए और इसे स्थापित करने की सही विधि। शिवलिंग के बारे में तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा, संपूर्ण सृष्टि का जो स्वरूप है वही शिवलिंग है। संपूर्ण सृष्टि का जो स्वरूप है वही तेजोमय ज्योतिर्लिंग है। सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्मा आदि सभी देवता, रामावतार में भगवान श्री राम, ऋषि मुनि यक्ष विद्याधर सिद्धगण पितर दैत्य राक्षस पिशाच किन्नर आदि विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों का पूजन करते आए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने नीलम रत्न से बने हुए शिवलिंग की पूजा की, इंद्र ने पुखराज रत्न से निर्मित शिवलिंग की पूजा की, कुबेर ने सोने के शिवलिंग की पूजा की, वायुदेव ने पीतल से बने शिवलिंग की पूजा की, वरुण देव ने स्फटिक के बने शिवलिंग की पूजा की, लक्ष्मी ने लक्ष्मी वृक्ष माने बेल से बने शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व है। लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और ऊपरी भाग में प्रणव रूप में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। लिंग की वेदी पार्वती हैं और लिंग महादेव हैं। जो वेदी के साथ लिंग की पूजा करता है उसे शिव और पार्वती के पूजन का लाभ मिलता है। शिवलिंग उपासना शिव पूजा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देखिए ना, मंदिरों में शिवलिंग आपको हर जगह मिलेंगे लेकिन शिव की साकार मूर्ति बहुत कम जगह आपको दिखाई देगी, और अगर साकार मूर्ति होगी भी तो वहाँ शिवलिंग जरूर होगा, क्योंकि शिव का एक निश्चित आकार नहीं है। ये शिवमय जगत है, इस जगत के कण कण में शिव व्याप्त हैं और ये संपूर्ण जगत शिव में व्याप्त है, इसलिए शिव को किसी स्वरूप में बांधना ये न्याय संगत नहीं है। कण कण में शिव हैं और ये संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के एक रोमकूप में वास करता है, और सृष्टि के आदि से लेकर के और सृष्टि के अंत के बाद भी शिव की सत्ता विराजमान रहती है। इसीलिए त्रेतायु सतयुग में लोग रत्न से बना हुआ शिवलिंग पूजते थे, त्रेता में सोने के शिवलिंग की पूजा होती थी, द्वापर में पारे और चांदी के शिवलिंग की पूजा होती थी, कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का विधान है जिसको पार्थिव पूजन कहते हैं। कलयुग में मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करने से जितनी जल्दी मनोकामना पूरी होती है उतनी जल्दी और किसी भी प्रकार के शिवलिंग की पूजा करने से मनोकामना नहीं पूरी होती है। एकादश रुद्र बना करके मिट्टी का शिवलिंग, कुम्हार की चाक की मिट्टी ला करके घर में सुंदर सा शिवलिंग किसी बड़े से परात में बना करके अर्घा के साथ और उनका अभिषेक करने से, उनका पूजन करने से सद्यह मनोकामना की पूर्ति होती है, और अभिषेक के बाद शिवलिंग का किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग विधि से घर में स्थापित होता है। घर में स्थापित किए जाने वाला शिवलिंग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको अंगुष्ठ प्रमाण से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये अंगूठा आप हमारा देख रहे हैं, इससे बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित होने वाला नहीं होना चाहिए। शिवलिंग 3 इंच से बड़ा घर में स्थापित होने वाला
किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है उनको सुबह शाम शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पर परमानेंट एक जलहरी की स्थापना करनी चाहिए जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर गिरता रहे। सुबह शाम पूजा अगर नहीं कर सकते हैं तो घर में शिवलिंग स्थापित ही न करें। शिव पुराण के अनुसार घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखे जा सकते। घर के किसी अंधेरे या बंद स्थान में भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय पूरे विधि विधान का पालन करना चाहिए, वरना कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, भगवान शिव के बारे में मानस पूजा में कहा गया है, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोताणि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। इसका अर्थ ये है, और इसका अर्थ आपको गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। आत्मा त्वम, हे भगवान शिव, मेरी जो आत्मा है वो आप हैं। आत्मा त्वम, मेरी जो आत्मा है वो आप हैं। गिरजामति, मेरी जो बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है। आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा, सहचरा माने कि जो नंदी आदि आपके शिवगण हैं वो मेरे शरीर में प्रवेश करने वाली प्राणवायु है जिससे हमारा जीवन चलता है। जो हमारी प्राणवायु है, जो हमारी श्वास है, वो आपके शिवगण हैं। सहचरा प्राणा शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर आपके निवास करने योग्य सुंदर घर है। पूजाते विषयोपभोग रचना, हे भगवान शिव, जब मैं स्नान करता हूँ, साबुन तेल लगाता हूँ, कंघी करता हूँ और अपने चंदन टीका करता हूँ, ये सब आपके पूजन का उपचार है प्रभु। पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और हे भगवान शिव, जब मैं सोता हूँ तो ये आपकी समाधि अवस्था है। निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, और मैं पृथ्वी पर जितने कदम चलता हूँ, चाहे सीधा चलता हूँ, चाहे सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ, चाहे दाहिने चलता हूँ, चाहे बाएं चलता हूँ, वो है आपकी गोल गोल परिक्रमा। मतलब वो मैं आपकी परिक्रमा ही करता रहता हूँ। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, ये आपकी प्रदक्षिणा का क्रम है। माँ पार्वती के साथ आप कैलाश पर विराजमान हैं, मैं वहीं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोताणि सर्वागिरो, चाहे मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, चाहे संस्कृत में बोलता हूँ, चाहे हिंदी में बोलता हूँ, चाहे किसी भाषा में किसी शब्द को बोलता हूँ, वो सब आपके लिए पवित्र स्त्रोत के रूप में ही स्वीकार होना चाहिए। स्त्रोताणि सर्वागिरो, गिरा माने होता है वाणी, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो सब आपके सेवा में प्रस्तुत किए गए स्त्रोत हैं। यद कर्मम क्रियते तद अखिलम, जो भी कर्म मेरे द्वारा जाने अनजाने में किया जाता है, संभो तव आराधनम, हे भगवान शिव, वो सब आपके आराधना आपके पूजा का ही एक क्रम है। कर चरण कृतम वा कायजम वा, कर माने हाथ, चरण माने पैर, हाथ के द्वारा, चरण के द्वारा, वाक कायजम वाणी के द्वारा, कर चरण कृतम वा कायजम वा श्रवण नयनजम वा, कान के द्वारा या आँख के द्वारा, मानसम वा अपराधम मन के द्वारा, जो भी मेरे द्वारा
कर चरण कृतम वा कायजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम सरो में तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तो किसी तरह से अगर मुझसे कोई पाप या गलती या भूल हो रही है तो हे करुणाब्धे, हे करुणा के समुद्र भगवान शिव, आप उन मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करें। जय जय करुणाब्धे। करुणाब्धे जो करुणा के समुद्र हैं वो भगवान शिव हमारी गलतियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।